नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जोल आईटी कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, जोल आईटी कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और जोल आईटी कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि जोल आईटी कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जोल आईटी एक ब्रांड नेम है। जोल आईटी कैप्सूल के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन इट्राकोनाजोल होता है। जोल आईटी कैप्सूल 100 mg व 200 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। जोल आईटी कैप्सूल एक एंटी फंगल दवा है। जोल आईटी कैप्सूल का उपयोग फंगल इन्फेक्शन और यीस्ट इन्फेक्शन होने पर किया जाता है। त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन होने पर त्वचा में लाल या सफेद रंग के धब्बे होना, त्वचा पर खुजली व जलन होना, त्वचा पर रैशेस होना, त्वचा पर दाद होना, त्वचा का पपड़ी बनकर उतरना और त्वचा में जख्म होना आदि लक्षण फंगल इन्फेक्शन होने पर दिखाई देने लगते हैं। फंगल इन्फेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर व्यक्तियों में फंगल इन्फेक्शन नाखूनों, जांघों, मुंह और पैरों में ही होता है। महिलाओं की वजाइना में यीस्ट इन्फेक्शन होने पर भी जोल आईटी कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। महिलाओं की वजाइना में यीस्ट इन्फेक्शन होने पर महिलाओं की वजाइना में जलन, खुजली, दर्द और सूजन हो सकती है। इसके अलावा सफेद रंग का डिस्चार्ज भी हो सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में जोल आईटी कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में जोल आईटी कैप्सूल की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, सिरदर्द होना, भूख कम लगना, चक्कर आना, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, सर्दी जुकाम होना, नाक से पानी बहना, धुंधला दिखाई देना, शरीर में थकान व कमजोरी महसूस होना, आँखों और त्वचा का पीला होना, दस्त होना, त्वचा पर रैशेस होना और त्वचा पर खुजली होना आदि साइड इफेक्ट्स जोल आईटी कैप्सूल की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जोल आईटी कैप्सूल को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। जोल आईटी कैप्सूल को खाना खाने के बाद तुरंत लेना रिकमेंडेड होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन होने पर जोल आईटी 100 mg कैप्सूल को दिन में 2 बार या जोल आईटी 200 mg कैप्सूल को दिन में 1 बार और 7 दिन से लेकर 14 दिन तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं। मुंह में फंगल इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर जोल आईटी 100 mg कैप्सूल को दिन में 1 बार और 15 दिन तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं। और महिलाओं की वजाइना में यीस्ट इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर जोल आईटी 100 mg कैप्सूल के 2 कैप्सूल को एक साथ सुबह के समय लेने की सलाह देते हैं और उसके 12 घंटे बाद जोल आईटी 100 mg कैप्सूल के 1 कैप्सूल को लेने की सलाह देते हैं। महिलाओं की वजाइना में यीस्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर जोल आईटी कैप्सूल को केवल 1 ही दिन लेने की सलाह देते हैं। जोल आईटी कैप्सूल की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको जोल आईटी कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि जोल आईटी कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। खून पतला करने की दवाओं, मिर्गी या दौरे की दवाओं, टीबी के इलाज में उपयोग की जाने वाली दवाओं, कैंसर के इलाज में उपयोग की जाने वाली दवाओं और शुगर कम करने वाली दवाओं के साथ जोल आईटी कैप्सूल को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए यदि आप ऐसी कोई दवा लेते हैं तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। लिवर की और दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर जोल आईटी कैप्सूल को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए यदि आपको कोई ऐसी समस्या है तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। नारियल तेल में एंटी फंगल गुण मौजूद होते हैं और नारियल तेल फंगल इन्फेक्शन को जल्दी ठीक करने में मदद करता है, इसलिए त्वचा पर और सिर में फंगल इन्फेक्शन होने पर नारियल तेल
तेल को हल्का सा माइक्रोवेव में गर्म करके दिन में 2 से लेकर 3 बार लगाने से नारियल तेल फंगल इन्फेक्शन को जल्दी ठीक करने में मदद कर सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए जोल आईटी कैप्सूल का सेवन करना सुरक्षित व रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को जोल आईटी कैप्सूल को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को जोल आईटी कैप्सूल या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट जैसे इट्राकोनाजोल आदि से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को जोल आईटी कैप्सूल का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका जोल आईटी कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।